सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग खेलने वाले कार पार्किंग मल्टीप्लेयर, और ये गेम भी मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। इसमें मैंने थोड़े बहुत है ना पैसे जमा किए वो लेवल्स खेल के, तो अभी मैंने तो आपको दिखाता हूँ लेवल्स। देखो यहाँ पे लेवल्स है, ये रहे, यहाँ पे मैंने 3 लेवल ही खेले और इतने सारे पैसे मिल भी गए। 3 लेवल से 25,000 पे स्टार्ट किया था, 38,000 हो गए। तो चलो मैं आपको है ना अभी एक दो लेवल खेल के दिखाता हूँ। इसमें सिर्फ पार्किंग ही करनी है, लेकिन अलग अलग चैलेंजेस है। और मैं अभी कोई न्यू कार भी ले लूँगा, इस वीडियो में तो नहीं ले पाऊँगा भाई, फर्स्ट वीडियो में ही थोड़ी ना इतनी कारें ले लाऊँगा, इतने तो पैसे भी नहीं जमाऊँगे। तो हम चल फटाफट है ना पार्क करते हैं। और इसमें देखो ये हमारी वो स्टार्टिंग वाली कार है, खाली पीछे से स्पॉइलर लगा दिया है। और कैसी लग रही है, एकदम मॉन्स्टर यार। कोई अच्छी कार दे देना यार। अभी एक्सेप्ट चैलेंज, वो GTR भाई, मेरी ड्रीम कार यार। ये कितने की होगी इस गेम में यार, मेरी तो ड्रीम कार है। कल मैंने कारएक्स रिफ्रेशिंग 2 का वीडियो डाला था, उसमें तो GTR 300 गोल्ड्स की थी भाई। इतने तो गोल्ड हमारे से जमा ही नहीं होंगे, क्योंकि गोल्ड जो है वो फ्री फायर के डायमंड्स की तरह पैसों से मिलते हैं, और बाकी कॉइन्स जो है वो तो फ्री में मिलते हैं, जैसे फ्री फायर में भी कॉइन्स पे फ्री मिलते हैं। तो अभी हम गोल्ड जमा करेंगे धीरे धीरे। मेरे पास 4 या 5 जितने दिन जमा हुए हैं, उसमें ना मिलते हैं, फ्री फायर में तो बिल्कुल ही नहीं मिलते डायमंड, इसमें तो फिर भी है ना फ्री के ऐसे 1-2 मिलते हैं। तो देखते हैं हम जमा करेंगे, उसके बाद तो GTR लेके ही रहेंगे भाई। ड्रीम कार है यार, R35 यार। चलो अभी इसको भी पार्क करते हैं। ये कौन सी BMW दे रखी है, ब्लू कलर की, लग तो सही रही है, लेकिन एकदम वो क्या बोलते हैं अल्टो की तरह दिख रही है। नहीं अल्टो भी नहीं, स्विफ्ट की तरह दिख रही है, स्विफ्ट की तरह। लोगो वोगो हटा दिया है ना, इसलिए थोड़ी अजीब सी लग रही है। बाकी भाई है तो BMW का इंजन ही भाई, बगेगा तो फास्ट ही, इतना भी फास्ट नहीं है लेकिन है तो फास्ट। और कितना लूबड़ा हूँ मैं, ऐसे ही ठोक दिया यार। बात करते करते ना सच गेम में तो ध्यान ही नहीं जाता है, कभी ठोक देते कभी क्या करते। और ऊपर से ये थ्रॉटल भी मेरे से बार बार छूट जा रहा है। चलो अभी फटाफट पार्क करते हैं। और कल वाली कारएक्स ड्रिफ्ट रेसिंग 2 की वीडियो कैसी लगी वो मेरे को ज़रूर बताना। मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन उसमें गेम साउंड जो आ ही नहीं रहा था, इसमें गेम साउंड आ रहा है, तो इसे एंजॉय करना। तो अभी वेना ये वाला वीडियो भी एंजॉय करना। अभी हम मैं ना थोड़ा आगे जाते हैं, तो कहाँ पे पार्क करना है अभी तक तो मैंने देखा भी नहीं है, पिछली बार तो मैं यही अच्छा इधर ही पार्क करना है, तो इसको फटाफट पार्क कर देते हैं, तो बहुत इजी था यार। पहले मैंने फालतू में ही ठोक दिया बातें करते करते। चलो इसको पार्क कर दिया, फिर अभी ओए हमर दे रखी है, अच्छी है यार, येलो कलर में भी मस्त लग रही है हमर। हमर अभी तो मेरे को इतनी खास नहीं लगती है, लेकिन चले चले भाई ऑफ रोडिंग करने में तो हमर मज़े। चलो अभी ऊपर चलते हैं, इसमें भी देखो ऑफ रोडिंग में ही अमर दे रही है। और मैंने ना इनसाइड व्यू कर दिया, चलो देखते हैं इनसाइड व्यू में मैं कंप्लीट कर पाता हूँ कि नहीं। चलो जल्दी चलो 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 चलो, लगता तो नहीं है कंप्लीट कर पाऊँगा। इट ठुक गया नहीं यार, नहीं इतना तो नोबड़ा नहीं हूँ मैं भाई। चलो इधर ही पार्क करना है, इतना ज़्यादा दूर नहीं था, बहुत पास ही में था, तो इसको फटाफट पार्क करते। चलो पार्क भी मैं इनसाइड व्यू में करता हूँ। वैसे इस गेम में लिखा हुआ आ रहा है मूव बैक ये फॉरवर्ड या स्टॉप, इसलिए मैं पार्क, देखो कितना पीछे पार्क किया है, इसलिए मैं पार्क कर पा रहा हूँ, नहीं तो फिर देखता ही नहीं तो मैं पार्क कैसे करूँगा। और ये कौन सी कार दी हुई है भाई, ये तो मैंने पहली बार देखी यार, इसका नाम क्या है। मेरे को तो है ना ये वो लग रही है, वो मस्टैंग लग रही है, हाँ शायद से तो मस्टैंग ही है। चलो फिर आगे पार्क करते हैं। अच्छा फ्यूल स्टेशन में पार्क करना है, ओहे ओहे रुक जा। हाँ इसमें देखो मैंने ग्राफिक्स क्वालिटी तो हाई रखी है, मोशन ब्लर इतना अच्छा नहीं लगा मेरे को, मैंने बीच में ऑन किया था लेकिन उसमें रिवर्स लीजिए से थोड़ा सा ब्लर ब्लर आया, तो मेरे को इतना खास नहीं लगा, बाकी सब तो सेटिंग्स सही है। तो अभी चलो पार्क करते हैं। और इसमें गाड़ी में फ्यूल नहीं है क्या, हाँ सच्ची में हाफ ही भरा हुआ है, चलो बड़ी इसको फुल करवा लेते हैं। वैसे एक्चुअली लेवल खेल रहा हूँ, मैंने अभी वो सिंगल प्लेयर वाला वर्ल्ड तो स्टार्ट भी नहीं किया अभी तक। और मेरे को ना एक मनी ट्रिक भी बताया, वो मैं वीडियो के एंडिंग में आपको बताऊँगा मनी कैसे जमा करते हैं। इसमें ईजिली कॉइन्स जो हैं वो गेम के वो ईजिली कैसे जमा करते हैं वो मैं दिखाऊँगा। टाइम तो लगता है बहुत, AFK रहना पड़ता है बहुत ज़्यादा के लिए, लेकिन फ्री में मिलता है मनी, तो लेते रहो किसका फ़र्क पड़ता है यार।
चलो एक और बार। ये कौन सी कार है? ये मस्टैंग नहीं है, दूसरी कार लग रही है। अरे भाई साहब ये तो ड्रिफ्ट कर गई यार, वो खतरनाक कार है भाई, इसको तो ध्यान संभल के चलाना पड़ेगा, ये तो मेरे से संभल ही नहीं रही है। जैसे कल वाली कार है ड्रिफ्ट रेसिंग 2 में, तो भाई साहब इतनी 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 बार गाड़ी ठोकी है ना मैंने भाई, आप जाके वीडियो देखो, आपको इतना मज़ा ही आ जाएगा देखना। पूरी वीडियो में बस मैं ठुकता ही रहता हूँ, क्योंकि मैं यार पहले ही ड्राइविंग थोड़ी बहुत कम आती है, उसके बाद से ड्रिफ्ट भाई इतनी हार्ड है ना, आप खुद डाउनलोड करके एक बार खेल के देखना, फिर खबर पड़ेगी। वीडियो देखने से तो खबर नहीं पड़ती कितना हार्ड है कितना इजी है, जाके डाउनलोड करो और खेल के देखो भाई, फिर खबर पड़ेगी कितना हार्ड है ये कार एक्स ड्रिफ्ट रेसिंग 2। और माइनक्राफ्ट के वीडियो भी आते रहेंगे तो उसकी टेंशन मत करना। और उसका थर्ड एपिसोड में मैंने जैसे ही कार एक्स ड्रिफ्ट रेसिंग 2 में बता दिया था, एटलीस्ट 10 डायमंड्स कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें मेरे को टाइम लगेगा अभी तो, क्योंकि पॉकेट एडिशन है भाई। पॉकेट एडिशन में एक तो वो भी नहीं आता है ना, पॉकेट एडिशन में जो लेफ्ट हैंड में टॉर्च पकड़े और लाइटर है, एक एक माइनिंग जाने के लिए 64 के 64 के तीन तीन ना चार स्टैक रखने पड़ते, फिर जाके हमारा होता है, तो पूरी चार इन्वेंट्री जो है वो बढ़ जाती है, उसके बाद फालतू फालतू वेस्ट कोबलस्टोन डायोराइट ये सब कलेक्ट हो जाता है। तो अब मैंने इतनी अच्छी ड्रिफ्ट मारी, वो ड्रिफ्ट कैसी लगी भाई? हम थोड़े बहुत तो प्रो है यार, इतने तो घूमेंगे। चलो अभी रिवर्स लेते हैं, मैं रिवर्स डालूँ, मेरे को लगा रिवर्स में ये ड्राइव में थी और मैं फालतू में आगे वापस पीछे जा रहा था। चलो पक्का करनी है यार। अच्छा हाँ हाँ दिख गया एरो दिख गया, वो रही पार्किंग। अच्छा ज़्यादा दूर नहीं थी, पास ही में थी। और ये कौन सी कार है? बेकार सी, मेरे को तो इतनी अच्छी नहीं लग रही यार। ओपन जो है खाली 2 सीटर है, ये कार कौन लेना चाहेगा भाई? मैं तो ज़िंदगी में ना लूँ, मैं तो भाई लूँ तो GTR लूँ, वरना नहीं लूँ। R35 बेस्ट कार, पता है वो ड्रैग रेसिंग के लिए अच्छी है, ऐसे लॉन्ग रूट की रेसिंग तो नहीं अच्छी है, मतलब ऐसे जो समझ सकते हो आप लैप टाइप या ऐसे अलग अलग टर्न्स वाली, अगर ड्रैग रेस हो एकदम सीधी रेस हो तो भाई GTR का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। चलो अभी हमें थोड़ी वो सिंगल प्लेयर में जाके मैं आपको ट्रिक दिखा देता हूँ। देखो अभी आपको सिंगल प्लेयर में आना है, फिर सिटी सिटी है नहीं है फर्स्ट सिटी, आगे बहुत सारे मैप है, आपको फर्स्ट सिटी में जाना है, फिर ना फर्स्ट सिटी जैसे ही लोड हो जाए जैसे ही, उसके बाद आपको है ना ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको जाना है इधर। देखो मैं यहाँ स्पॉन हुआ हूँ, अभी यहाँ से मेरे को सॉरी पीछे जाना है, पीछे राइट नहीं लेफ्ट जाना है। मैप में आप देख लेना एरिया, मैं मैप जहाँ पे पहुँच जाऊँ वहाँ पर जाकर आपको मैप भी खोल के दिखा दूँ। अरे क्या कर रहा है? अरे ये GTR ही चला रहा है। लो अभी मैं इसको GTR को तो कुछ बोल भी नहीं सकता। देखो ये जो कॉफ़ी वाला है ना, कॉफ़ी वाला आगे देखो इसे ग्रीन ग्रीन दिखा रहा है ना ऐसे जोन, यहाँ पर आपको जाना है। और अगर आपके पास 2 लाख रुपीज़ हो ना तो ये ख़रीद लेना। अगर ये ख़रीद लोगे ना आप, तो आप जब भी सिटी में होंगे खेल रहे होंगे ना और आजू बाजू घूम रहे होंगे, तो इसमें ना ऐसे काउंटिंग आती जाएगी। अभी मेरे पास 2 लाख रुपीज़ नहीं है तो मैं ख़रीद के दिखा नहीं सकता, ऐसे एक एक करके भरेगी। जब इसमें समझो 2000 लिखा हुआ है और आपने इसको कार टच की ना, तो आपको 2000 रुपीज़ मिल जाएंगे। जैसे 2 लाख लिखा हुआ है तो आपको 2 लाख मिल जाएंगे ऐसा। तो आपको ये ख़रीदना है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, फिर आप लोगे तो वही 0 से स्टार्ट होगा। तो ये भी ख़रीद लेना, इससे आपको प्रॉफिट होगा अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हो तो। बाकी स्टार्टिंग में तो ये लेना भाई बहुत थोड़ा वो है, टाइम वेस्ट है, क्योंकि आपने ख़रीद लिया फिर उसके बाद तो इसमें धीरे धीरे बढ़ेगा। तो स्टार्टिंग में तो मैं प्रेफर करता हूँ ये तो नहीं लेना। अगर आपके पास बाद में समझो 10 या 11 लाख हो ना, तब इस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, नहीं तो फिर आके चलो। और ये देखो मैंने 200 किलोमीटर रखी है, एकदम ट्रैफिक राइडर वाली गेम बन गई है, तो गाड़ी खुद ही चल रही है, तुमको बस घूमो टर्न लेना है। और अभी मैं ठुकते ठुकते बच गया, मैं ठुक ही जाता। और ये ब्लू कार कौन सी कार है? छोड़ो अभी इसको देखने बैठूंगा तो मैं कब पहुंचूंगा वहाँ पे। एक ये डेस्टिनेशन है ना हमारे स्पॉन से थोड़ा सा दूर है, लेकिन यहाँ पे आपको है ना पैसे मिलेंगे। तो अभी तो मैं AFK रह के नहीं दिखाऊंगा, बस एक बार दिखा दूंगा अभी पैसे मिल गए। आपको यहाँ पे आके AFK रहना है कम से कम 3-4 घंटे और आपको 2 से 3 लाख मिल जाएंगे, मतलब उससे भी ज़्यादा मिल जाएंगे। अब मैंने AFK रह के तो देखा नहीं है, गेम ये आज डाउनलोड की है, पर मेरे खाली खबर है तो यहाँ पे रह के AFK करते। मैं डे कर देता हूँ डे, क्योंकि नाइट में अच्छे से दिखता नहीं है, मेरे को तो डे ही पसंद है। और मैंने डे सिलेक्ट करके रखा है ना, तो अभी यहाँ पे आते ही ऑटोमेटिक नाइट हो जाती है। और मैंने ग्राफिक हाई कर लिया, रेंडर डिस्टेंस कम ही रहने दो अभी के लिए, प्रॉप्स डिस्टेंस भी कम रहने दो।
फ्रेम रेट तो आपकी मर्ज़ी, आपको जितना रखना है रखो। और हाँ, ये ट्रैफिक का डेंसिटी दी है ना, डेंसिटी ये और ट्रैफिक पीपल डेंसिटी, ये आपको फुली रखनी है, तो आपके जो है ना मैप में ज़्यादा कार्स जो है स्पॉन होगी। अभी आपको आगे जाना है और इधर देखो भाई, पूरा पूरा डोनट मार दिया, 180 मार दी, 180, 360 तो नहीं, 360 होती तो मैं सामने ही जा रहा होता, 180 भाई, 180 तो आती है मारने, 360 इस गेम में सुपरा से हो सकती शायद, क्योंकि मैंने ना एक बार पहले गेम खेली थी ना, मैंने सुपरा को फुली मॉडिफाई कर लिया था, जिसका जो सबसे महंगा इंजन जो है ना, इंजन उसका एक इंजन 2 लाख रुपीज़ का आता है सबसे महंगा वाला, उसके बाद 4 लाख का भी आता है, लेकिन 4 लाख वाला पहले रियल रुपीज़ से अनलॉक करना पड़ता है, तो मैंने सबसे मतलब विदाउट यूजिंग रियल मनी जो एकदम बड़ा वाला मतलब एकदम महंगा वाला इंजन था ना, वो वाला लगवा दिया था, और सारे जो है ना ये वो बबल बबल क्या होता है एक बबल एग्जॉस्ट सब डलवा दिया था, ये जो होते हैं ना बबल एग्जॉस्ट, फिर ये टर्बाइन ये सब डलवा लिए थे, टर्बाइन नहीं बोलते टर्बाइन बोल रहा हूँ, बोट थोड़ी ना टर्बाइन डलेगा, अरे मैं भी लाइट बंद कर दूं खाली कार की, और एक बार ग्लिच ट्राई करूं मैं, मैंने एक बार यूट्यूब पे किसी के वीडियो ग्लिच देखा था, तो वो मैं ग्लिच ट्राई कर रहा हूं, अभी चेक करता हूं, अगर वो ग्लिच हुआ ना तो मैं आपको ही बता दूंगा, और नहीं हुआ तो फिर छोड़ दो, एक बार टेस्ट कर लूं खाली ग्लिच होता है कि नहीं। इसमें मेरे को ना एकदम ये ऑफिस जो दिख रहा है ना, ऑफिस से बना हुआ है, वहाँ पर गाड़ी चिपका के लगा देनी है, अभी रिवर्स में डालें, रिवर्स लग जा, हाँ चलो गाड़ी इधर लगानी एकदम चिपका के, लग जा लग जा लग जा लग जा लग जा, हाँ अभी गाड़ी से उतरना है, अभी मैं अभी अंदर गया तो ठीक है, नहीं तो शायद ऊपर उड़ जाऊँगा सीधा, देखना ये निकल जा गाड़ी से, ब्रेक थोड़ा सा अच्छे सेट कर लूँ, अब निकलता हूँ, अरे यार ऊपर ही आ गया यार, अंदर जाता ना तो शायद ग्लिच वर्क हो जाता, मेरे को तो नहीं लगता अभी ये ग्लिच वर्क करेगा, देखो ऊपर यू आर वर्किंग लिखा करके आया ना, लिख के वो यू आर वर्किंग मतलब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, और अगर ये जो है ना ऐसे रेड कलर का जो टोइंग एरिया है ना, यहाँ से कोई भी अगर कार जाएगी ना, तो जैसे मेरे 55 रुपीज़ बार बार माइनस हो रहे हैं ना, वैसे उनके भी 100 रुपीज़ माइनस होंगे, देखो ये गेम का ग्लिच है, होने चाहिए 50 और दिखाता भी 50 है, लेकिन उनके 50 दो बार हो जाते हैं, तो 100 100 ही गिना करो, देखो मेरे -55 हुए ना, ऐसे ही उनके भी माइनस हो जाएंगे, और मैं आपको दिखाता हूँ, दोनों वो ग्लिच टेस्ट कर रहा था ना, वो ग्लिच तो हो ही नहीं रहा है, बाढ़ में जाए, एक तो ये फेक यूट्यूबर है ना ऐसे ही करते, मतलब फेक यूट्यूबर तो नहीं, यूट्यूबर तो ओरिजिनली है, ये यूट्यूबर जो फेक फेक चीज़ें बताते हैं ना ऐसे ही करते हैं, चलो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मेरे +50 +50 देखो आ रहा है ना ऊपर लिखा हुआ 50+, इससे मेरे को पैसे मिलते जाएंगे, रुको मैं आपको दिखा दूँ मेरे पास कितने पैसे, कांग्या ये, अरे ये नहीं सॉरी वो कांग्या, अरे कहीं से हम मनी चेक कर सकते हैं ना यार ऑन गेम में, मीन्स हमको बैक नहीं जाना पड़े, फ़ोन में नहीं, फ़ोन में भी नहीं है, कहाँ से चेक करते थे मनी में, तो भूल गया यार, कहीं से तो चेक करते, बाकी देखो मेरे को मन, हाँ याद आ गया, देखो 53,200 है राइट साइड में टॉप में देखा आपने, अभी देखना ये अभी दूर से जो कार आ रही है, ये कार आई पुलिस की, ये गई दूसरी कार आई ये भी गई, ये पुलिस वाली कार भी गई, अभी देखो 54,100 हो चुके, तो आपको ऐसे यहाँ पे खड़ा रहना है, रेफ के रहना है, और ध्यान रखना आपके पीछे कोई गाड़ी आके आपको हटा नहीं दे यहाँ से, तो आपको ऐसी जगह पे खड़ा रहना है वहाँ जहाँ पर आपको गाड़ी टच नहीं कर पाए, नहीं तो एक बार मैंने गेट के एकदम एज पे खड़ा होके एफ के छोड़ के चला गया था, तब एक पीछे से एक ट्रक आया, उसने मेरे को उड़ा दिया, और उसके 2 घंटे बाद जाके मैंने देखा मैं तो वर्किंग मतलब जॉब पे ही नहीं था, मेरे पूरे 2 घंटे वेस्ट हो गए थे उस वक्त, और पैसे भी नहीं आए, और मेरे फ़ोन में फालतू में 2 घंटा सलंग चाल उड़ा, तो उसके बाद से मैं भी है ना एकदम एकदम वैसे पीछे चिपका के ही रख देता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो ये दीवार है ना यहाँ पे एकदम ऐसे पीछे चिपका के रख देना, अभी तो मैं कोई एफ के रहना नहीं है, तो अभी तो मैं एफ के रहूँगा नहीं, चलो फिर अभी आगे चलते हैं और देखते हैं, और इनका भी ना एक वही बात है, अभी मैं देखो वहाँ खड़ा था तो एक भी गाड़ी नहीं थी, और जैसे ही मैं उस तरफ जाने लगा तो इतनी गाड़ियाँ आ गई ना भाई, गाड़ी में बैठते हैं हम अपनी कार में बैठते हैं, और उधर से दूसरी कार आने लग जाती है, गेम वाले भाई इतने इरीटेट करते हैं ना यार,
मेरे को 2-2 मिनट में ना गली गली कार में बैठ के थोड़ा आगे जाना पड़ता है जैसे दूसरी कार्स आए। चलो अभी मैं जॉब पे लग चुका हूँ, अभी मेरे को तो एफ के रहना नहीं है, तो आपको मैंने दिखा दिया, आप ऐसे ही एफ के रहना और आपको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। ये ना एक तरीका है पैसे कमाने का, बाकी इसमें तो बहुत सारे पैसे कमाने के तरीके। देखो अभी मैं वड़ी जा रहा हूँ, देखना गया गया, देखो कैसी कार आ गई, भगाओ 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 जल्दी। मैं ना ये कार को हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अभी ठोका ना तो भी ये कार देखना चलेगी नहीं, ये अभी ऐसे ग्लिच हो गई तो हो गई। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप इधर खड़े हो तो आपको कोई भी गाड़ी को ठोकना नहीं है, अगर ये गाड़ी ठुकी तो हिलने का नाम नहीं। बस देखो ये भी रुक गई, वो भी रुक गई, चार चार गाड़ियाँ इधर रुक गई। तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, मेरे को पहले आगे जाना पड़ेगा, 2 मिनट रुक जा। अरे यार वो ग्लिच अभी भी नहीं काम कर रहा है यार, यार मैंने सोचा काम करेगा यार, ये यूट्यूबर है ना, यूट्यूबर एक दूसरे यूट्यूबर सब फेक फेक ही बताते, लेकिन मैं आपको कुछ भी फेक नहीं बताऊँगा, सब एकदम ओरिजिनल न्यूज़ ही बताऊँगा। देखो आप मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, आपको गाड़ी वो येलो इधर लगा देनी है जो येलो येलो करके स्टॉप पर से वहाँ पे, और यहाँ पे खड़ा रहना है जहाँ पे मैं अभी खड़ा था। तो चलो मैं आपको ना ये जो गाड़ियाँ तक गई है ना इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, 2 मिनट रुक जा, वहाँ पे हमको जाना है। देखो अब मैंने इसको ठोका, ये हिली नहीं, अब ये हिलने ही नहीं वाली, हमेशा के लिए इधर ही खड़ी रहेगी। तो इसका सॉल्यूशन है आपको थोड़ा सा यहाँ से दूर जाना है, दूर चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, और रेंडर डिस्टेंस, अरे रुक जा 2 मिनट थोड़ा दूर जाओ, ये रेंडर डिस्टेंस है ना, रेंडर डिस्टेंस उसको पूरा 0 कर दो, 30 लास्ट हुआ। अब मैं थोड़ा आगे गया, ठीक है, फिर मैंने ब्रेक मारी, अब मैं पलटा, और अभी रेंडर डिस्टेंस पहले फुल कर दो, ये मैंने रेंडर डिस्टेंस फुल कर दिया। जैसे रेंडर डिस्टेंस फुल किया, देखो आगे से कार गायब हो गई है। तो आपके फोन आप जब एफ पे खड़े हो कोई कार अटक गई है तो आपको भी है ना कार्स को ऐसे हटाना है, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है, आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है या पूरा लॉबी से आने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ा दूर जाकर रेंडर डिस्टेंस एकदम 30 पे रख देना है, फिर वो जो है ना रेंडर डिस्टेंस के बाहर चली जाएगी और वो रिस्पॉन हो जाएगी। अभी देखो आपको यहाँ पे खड़े रहना है और एफ के रहना है, बस सबसे सिंपलेस्ट तरीका पैसे कमाने का। चलो मैं थोड़ा रेंडर डिस्टेंस कम कर देता हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा दूर देखने लगा है ना, तो मेरे को थोड़ा लग रहा है भाई कार कम स्पॉन हो रही है, बाकी आपको जैसा लगे आप वैसे कर सकते हो। और हाँ, ट्रैफिक पीपल डेंसिटी और ट्रैफिक कार डेंसिटी ये दोनों फुल ही रखना। तो चलो आज का वीडियो यहीं पर ही एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो के लिए ट्यून रहना, मैं कोई अच्छा सा वीडियो डालूंगा, कार एक स्ट्रीट का भी हो सकता है, हो सकता है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।